हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और अभी बजे हैं सुबह के 9। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और दैविक जो है वो खेल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। दैविक, हेलो दैविक, आप लूडो खेल, आपने लूडो फाड़ दिया। दैविक, आपने लूडो फाड़ दिया। वेरी बैड। दैविक भूंडू, भूंडू, हाँ ये मेरा इतना पुराना लूडो फाड़ दिया। कितना साल पुराना था मम्मी ये लूडो? अच्छा। ये मम्मा का लूडो ये कर दिया दोनों बाल भैया ने, बिना रीसना फाड़ दिया दोनों ने मिलके हैं। और मेरे को बोल रही थी मेरा वो बन जाएगा कार्डबोर्ड, इस पे फॉइल पेपर लगा देना, तो इस पे फॉइल पेपर लगा के उसका कार्डबोर्ड बनाना है। हाँ क्यों फाड़ रहे हो आंटी? सफाई कर रही है, आप गंदा कर रहे हो। गंदा बेबी, गंदा बेबी है ये। काफ़ी दिनों से मेरा मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, उसका रीज़न आप लोग कमेंट्स कर रहे थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया है बिकॉज एक मिसहैप हो गया था मेरी फैमिली में। आई वॉज रियली अपसेट फ्रॉम लास्ट 15 डेज। मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, एज आई टोल्ड यू कि मेरा कोई रियल भाई नहीं है, तो वी आर 3 सिस्टर्स ओनली। सो लेकिन अभी मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, तो मेरे कज़न ब्रदर्स में से मेरा ये सबसे बड़ा कज़न एक्सपायर हो गया है। और ही वॉज वेरी यंग, और उसके 3 बच्चे हैं, वाइफ है, माँ है, फैमिली है, और पूरी फैमिली जो है, मतलब इट्स अ बिग, एक धक्का लगा है हमारी पूरी फैमिली को, जिसका इट्स अ बिग बिग लॉस, ह्यूज लॉस टू आवर फैमिली। और मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत अपसेट हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन अभी भी मैंने वीडियो आज अपलोड किया है, एक तो आप लोगों को बताने के लिए कि मैं कोई वीडियो अपलोड मैंने क्यों नहीं किया है फ्रॉम लास्ट 15 डेज। तो अच्छा भी नहीं लग रहा था और मन भी नहीं कर रहा था कोई ब्लॉग बनाने का, तो बेमन से कोई काम करना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी मेरे कज़न की 13वीं हो गई है, तो अब लाइफ गोज ऑन, एवरीथिंग गोज ऑन, टाइम मूव्स ऑन, सब कुछ चलता रहता है। आप जिस इंसान के घर से, जिस फैमिली से, जिस फैमिली से एक इंसान जाता है, वो लॉस उन्हीं का होता है। वो उस दर्द को, उस पेन को सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं, तो उस क्योंकि उसको एक्सपीरियंस वो लोग कर रहे होते हैं हर रोज़ हर टाइम उस लॉस को। तो मैं एक फैमिली जो है कितने दर्द से गुजर रही है, कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है, सिर्फ बिकॉज ऑफ अ बैड हैबिट। एक्चुअली मेरे कज़न को की डेथ जो है, इट हैपेंड इट ड्यू टू अल्कोहल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, शराब पीता था। तो आप, मैं, मेरे जो भी मेल सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग, अगर कोई भी मेल फीमेल आप जो भी हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं या आप कोई स्मोक करते हैं या कोई भी नशा करते हैं, आप ड्रग्स करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो, क्योंकि आपको उस चीज़, आपको कुछ भी है, दुख है, टेंशन है, खुशी है, लॉस है बिजनेस का, कुछ भी है, आप अपने आप को स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आप एक चीज़ का सहारा ले रहे हो, चाहे वो शराब है, कुछ भी है। लेकिन आप ये भूल जाते हो, या आप एडिक्शन, आप एडिक्टेड हो, इसलिए आप उस चीज़ को पी रहे हो, उस अपनी बॉडी में डाल रहे हो उस चीज़ को। तो भी कुछ भी रीज़न हो सकता है शराब पीने का, या ड्रग्स करने का, या स्मोक करने का, या कुछ भी करने का, बहुत रीज़न्स होते हैं। लोग अलग अलग रीज़न से करते हैं, ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, और फैमिली में लॉस हो गया है, किसी का कोई एक्सपायर हो गया है, और
बिजनेस में लॉस हो गया है, लाइफ ख़त्म हो गई है, करियर ख़त्म हो गया, तो लोग ये सब स्टार्ट कर देते हैं, तो इट्स अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज उसके अलावा आप उस चीज़ को अवॉइड आपको करना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ वही चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी फैमिली है, आपकी मम्मी पापा हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड्स हैं, आपके बच्चे हैं जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ये वीडियो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने बनाया है कि प्लीज़ आप में से जो भी ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, प्लीज़ 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 स्टॉप डूइंग इट, स्टॉप डूइंग दिस रॉन्ग प्रैक्टिस एंड स्टॉप हार्मिंग योर सेल्फ। प्लीज़ आप अपने सबके बारे में सोचिए और ये सब करना बंद कर दीजिए, फिर देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, और जो हर चीज़ को बर्दाश्त करने की जो हिम्मत है वो अपने आप भगवान सबको दे देता है, तो आपको लाइफ गोज़ ऑन और अपने आप हिम्मत आ जाती है और टाइम के साथ सब कुछ हील और रिकवर हो जाता है। पर जो इंसान का जो लॉस होता है वो कभी भी किसी और चीज़ के साथ उसको हम नहीं कर सकते, मतलब अगर आपका बिजनेस में लॉस है तो आप बिज़नेस रिकवर कर सकते हैं, अगर आपका पढ़ाई में लॉस है तो आप पढ़ाई रिकवर कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स भी दूसरे बन जाते हैं लोगों के, लेकिन जो ह्यूमन लॉस है, जो इंसान का जो लॉस है, वो आप किसी भी चीज़ के साथ उसको बदला नहीं जा सकता। तो आप स्टॉप डूइंग दैट एंड एंजॉय योर लाइफ, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी कि हमारा दैविक जो है वो चलने लगा है, और मैं आपको चुपके से शूट करके, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ ताकि ये सुन ना ले, इसका ध्यान ना हटे, और अभी जब ये चलेगा तो मैं आपको शूट करके दिखाती हूँ कि इसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स वॉच हिम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट भी किया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो डोंट जस्ट वॉच द वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू।
it will definitely make me happy. Thank you so much for subscribing, for watching and for liking my videos and giving time and data to my videos. Thank you so much. Love you all. Take care. Bye-bye.